पैसा नहीं मिल पाया है तो उनको क्या 2019 की तीन किस्त और 2020 का दो हजार जो मतलब दो किस्तों किस्त हो रहा है जैसे मान लीजिए किसी का फॉर्मल रिकॉर्ड रिजेक्ट कर दिया गया था पी बैंक द्वारा किसी का आधार नंबर वेरीफाई नहीं था किसी के अकाउंट नंबर का नाम और आधार में नाम और पी पीएम किसान में नाम गलती के कारण पैसा नहीं मिल पाया था तो अभी जो सुधार कर लिए हैं तो उनको पैसा मिलेगा कि नहीं तो इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे तो फ्रेंड्स वीडियो में शुरू से लेकर अंतक बनी रही हूँ और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं

रिजेक्ट कर दिया गया था लेकिन अब जो है उनको पैसा मिल गया है वो भी मतलब जितना किस्त भर रहा है उनको उनको पैसा जो है पहले वाला किस्त उनको एक साथ भेज दिया गया है चले पहले आपको उस किसान भाई का स्टेटस आपको दिखाते हैं तो आपको पता है स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम किसान डॉट जी ओ वी डॉट इन इसमें आना पड़ता है फिर फॉर्मर कर्नर पर क्लिक करना पड़ता है फॉर्मर कर्नर पर क्लिक करने के बाद आपको बेनिफिशरी स्टेटस तीसरे नंबर ऑप्शन पर मिल जाता है यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ता है इसमें क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज ओपन होता है यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं आधार नंबर अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर तीनों में से किसी एक को जब आप यहाँ पर डालते हैं और गेट डाटा पर क्लिक करते हैं तो आपका स्टेटस हो होने लगता चलिए उस किसान भाई का स्टेटस आपको दिखा हैं तो फ्रेंड्स ये उस किसान भाई का एप्लीकेशन स्टेटस है फॉर्म किसान का तो यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस है ये यह यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मल नेम दिया हुआ है इनका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है आधार नंबर का फोर डिजिट इनका स्टेट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट नंबर का फोर डिजिट रेजिट, रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव इन एक्टिव में एक्टिव दिया हुआ है फिर यहाँ पर पी एफ एम एस बैंक देख सकते हैं फॉर्मल रिकॉर्ड हैज बिन एक्सेप्टेड बाई पी एफ एम एस बैंक मतलब फॉर्मल रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया गया है रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हैं सत्ताईस सात दो हजार उन्नीस मतलब दो हजार उन्नीस का फॉर्म भरा हुआ है फिर पी एफ एम एस रिस्पॉन्स डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर छब्बीस ग्यारह दो हजार उन्नीस फिर पेमेंट मोड अकाउंट है फिर आधार स्टेटस इनका आधार नंबर इज़ वेरीफाइड है तो फ्रेंड्स ये जो किसान भाई है इनका पहले आधार वेरीफाइड नहीं था तो इनको पैसा नहीं मिला था इनका जो था इनको पैसा नहीं मिल पाया था लेकिन जब ये सुधार किए किसान जब ब्लॉक में जाकर मतलब अपना सुधार करवाएं जो प्रॉब्लम था वो सुधार करवाएं तब जाकर इनको पैसा मिला तो इनको जितना किस्त भर रहा था जिस तारीख से ये अप्लाई किए हैं उस तारीख से आज तक जितना किस्त बन रहा था उनको एक साथ भेज दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो क्रेडिट हुआ है यहाँ पर चौदह चार दो हज़ार बीस मतलब चौदह अप्रैल दो हज़ार बीस को ही इनका क्रेडिट हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलह चार फिर एक दो दिन बाद ही और एक क्रेडिट कर दिया गया फिर तेईस चार को और क्रेडिट कर दिया गया मतलब सोलह और सात सात दिन के बाद एक सप्ताह के बाद और एक इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कर दिया गया फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा इंस्टॉलमेंट जो है पाँच पाँच को क्रेडिट कर दिया गया मतलब आज नहीं पाँच मई को इनका क्रेडिट कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इनका पी एफ एम एस रिस्पॉन्स डेट देख लीजिए यहाँ पर दो हज़ार उन्नीस का है कुछ गलती के कारण इनको जो है पैसा नहीं मिल पाया था लेकिन जो है सुधार होने के बाद इनको पैसा जो है एक साथ चार इंस्टॉलमेंट चार इंस्टॉलमेंट इनका एक साथ भर रहा था तो चारों इंस्टॉलमेंट इनको एक साथ भेज दिया गया है इनका अगला किस्त भी एक साथ आ, इनका आ जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपका भी कुछ गलती है और दो या कभी भी आप फॉर्म भरे हैं मतलब दो में मान लीजिए फॉर्म भरे हैं और आपको अभी तक एको किस्त नहीं मिल पाया है और आप अगर सुधार करते हैं तो आपको जितना किस्त जब से आप फॉर्म भरे हैं तब से जितना किस्त बन रहा है आपका एक साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा जैसे मान लीजिए आप फॉर्म जिस टाइम भरा रहा था स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम फॉर्म भर रहे थे भरे भरे होंगे और आपका मतलब कुछ गलती के कारण यहाँ पर जो है कुछ गलती के कारण आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पाया था लेकिन अगर आप उसका सुधार करवा लिए हैं तो आपको जितना किस्त बन रहा आपका पाँच किस्त अभी तक बन रहा है तो पाँचों किस्त एक साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपका भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको जो है जितना किस्त आपका एक साथ बन रहा है जिस डेट से आप अप्लाई किए हैं उस डेट से जितना किस्त बन रहा है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आपका प्रॉब्लम है कुछ प्रॉब्लम है तो आप सुधार करवा लीजिए और उसके बाद आपका जितना किस्त बन रहा है आपका भेज दिया जाएगा तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर आपको पीएम किसान रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे थैंक्स